नमस्कार, शाम के 7 बजने को है देश तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे देश तक देश का नंबर वन न्यूज बुलेटिन आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच चुकी है और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जबकि 22,000 के पार एक्टिव केस है देश भर में। देश में कोरोना से अब तक 937 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 7,000 से ज्यादा मरीज कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा केस आने से और 24 घंटे में 51 मौत होने से हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,594 नए केस सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के कुल केस 29,974 के पार जा चुके हैं, जो अपने आप के लिए चिंता का सबब, जिनमें एक्टिव केस की तादाद 22,010 है। कोरोना से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी। और अब आपको बताते हैं कि राज्यों में कोरोना के संक्रमण का बढ़ता घटता ग्राफ आखिर क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से लगातार इस बारे में कोशिश की जा रही है कि उनके राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उन्हें कम किया जा सके। हालांकि इसमें कुछ राज्यों को कामयाबी मिल गई है, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनको अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसीलिए एक एक करके हम आपको अलग अलग राज्यों में अभी मौजूदा स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 8,590 संक्रमित केस, कुल मामला 8,590 का, जबकि 369 लोगों की जान अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए ये चिंता का सबब। वहीं विजय रूपाणी के राज्य गुजरात में देखें, 3,548 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 162 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में 3,108 मामले सामने आए हैं, 54 लोगों की मौत हुई है। हर रोज दिल्ली सरकार की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से इसको लेकर जानकारी भी दी जाती है। बात करें राजस्थान की, 2,262 मामले राजस्थान से सामने आए हैं, 46 लोगों की मौत हो गई है। अशोक गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पर अपनी पीठ जरूर थपथपाई थी, लेकिन राजस्थान के भी ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं। राज्यों के हिसाब से कोरोना का ग्राफ कहां पर क्या है इस वक्त, उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के बाद बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। 2,368 मामले मध्य प्रदेश से, 113 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां पर डॉक्टर्स पर हमले का मामला भी कुछ दिनों पहले सामने आया था। बात यूपी की करें, 2,043 कुल मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हुई है यूपी में। योगी सरकार की भी वहां पर कोशिश है कि आंकड़ों को कम किया जाए, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं तमिलनाडु में भी, लेकिन वहां के कुल मामले 1,937, जबकि 24 लोगों की तमिलनाडु में अब तक जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में 1,259 मामले सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हो गई है जगन रेड्डी की सरकार वहां पर। तेलंगाना की बात करें, 1,004 मामले सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है तेलंगाना में। अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपने ये तो समझ लिया होगा कि सबसे ज्यादा चिंता का सबब एक तरफ जहां महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली के लिए भी चिंता का सबब, तो वहीं आगे बढ़ते हुए अब आपको कोरोना की रफ्तार के बारे में जानकारी दे देते हैं। देश में भले ही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा हो, 5 दिन में कोरोना की औसत रफ्तार देखेंगे तो यही मालूम चल रहा है कि शायद कोरोना का असर धीरे धीरे अब कम होता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं देश में किस तरह से थम रही है कोरोना की रफ्तार, और इसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पहले रफ्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब 5 दिन की औसत रफ्तार बताती है कि 1,055 कुल मामले, और इस लिहाज से कम ये माना जा सकता है कि हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि कई मामले लगातार बढ़ते हुए भी चले जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से मामले चौंकाने वाले जरूर हैं। और देश भर में कोरोना की रफ्तार के बाद अब आपको जरा महाराष्ट्र में, चूंकि सबसे ज्यादा तादाद अगर कोई एक राज्य है कोरोना से संक्रमित, तो सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया है। और महाराष्ट्र का ये ग्राफ क्या कहता है अब देखिए, वहां पर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार का ये ग्राफ जो बताता है 5 दिन की औसत रफ्तार अभी वहां पर क्या है, 522, और आज की तारीख का ये महत्वपूर्ण आंकड़ा जो अपने आप में कम से कम महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर नहीं है इस तरह इशारा कर रहा है। और आप यहाँ पर राजधानी दिल्ली का ग्राफ दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। दरअसल आपको ये समझाना बहुत जरूरी है, राजधानी दिल्ली में 5 दिन की औसत रफ्तार क्या कहती है आपके सामने है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर किस तरह के मामले महाराष्ट्र और
और अब इस वक्त का आंकड़ा आपके सामने मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर, हालांकि स्थिति को काबू करने की कोशिशें मध्य प्रदेश में लगातार जारी हैं। बीच में आप देख पा रहे हैं ग्राफ किस तरह से बढ़ा था, लेकिन फिलहाल अब उस पर काबू पाने की कोशिश वहां के शिवराज सरकार की ओर से की जा रही है। तो अलग अलग प्रदेशों के जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, क्या थम रही है कोरोना की रफ्तार, और अगर इसी तरह से स्थिति आगे कायम रही तो फिर 3 मई के बाद का आंकड़ा क्या रहेगा, ये जानना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल उसके पहले आपको जल्दी से बता देते हैं अब दुनिया की 5 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या है कोरोना से जुड़ी हुई। विश्व में अब तक 2,12,516 लोगों की जान जा चुकी है। ये अपने आप में बेहद भयावह डराने वाली स्थिति। इस महामारी ने 30,84,740 लोगों को संक्रमित करके रखा हुआ है। कोरोना के कारण 30 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पॉजिटिव हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा। जबकि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई एक देश है तो वो मुल्क है अमेरिका, जहां पर 56,803 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में शुरुआत में स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन वहां की सरकार ने कहीं ना कहीं कोताही बरती, जिसके बाद वहां पर स्थिति भयावह होती हुई। इटली सबसे ज्यादा परेशान रहा, लेकिन अब नंबर 2 पर 26,000 लोगों की वहां पर जान गई है, उससे कुछ ज्यादा। जबकि स्पेन में 23,822 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका, इटली, स्पेन, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी वहां की सरकार के लिए, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन देशों से हम कुछ सबक लें, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अभी स्थिति काबू में नजर आ रही है, और इसी वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर जाएं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी आज नई और बड़ी जानकारी दी गई है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन हमने आपको ग्राफ के जरिए कोरोना की रफ्तार दिखा दी है। ग्राफ यही बता रहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार मध्यम होती जा रही है। कमोबेश आज ही देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के संकट के बीच राहत की खबर भी देश के सामने रखी है। देखिए, कोरोना के कहर से दो चार हो रहे देशवासियों के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री आज राहत की सौगात लेकर हाजिर हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बताया कि देश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। 80 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैव नॉट रिपोर्टेड ए फ्रेश केस सिंस द लास्ट 7 डेज। 47 डिस्ट्रिक्ट्स हैव नॉट रिपोर्टेड ए केस फॉर द लास्ट 14 डेज। 39 districts have not reported a case for the last 21 days and 17 districts have not reported a case for the last 28 days. स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान कोरोना के खौफ को कम करने वाला है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब ज्यादा दिन में दोगुना हो रहा है। Last 14 days our doubling rate had been 8.7 and for the last 7 days it had been 10.2 and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 300 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है। 300 जिलों में कोरोना के केस काफी कम है। 129 जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। यही 129 जिले सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बेशक संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, मगर देश में कोरोना का संक्रमण 29,000 तक पहुंचना भी चिंतित करने वाला है। आज तक ब्यूरो। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,000 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 190 नए मरीजों की पहचान से कोरोना संक्रमण का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज इन सबके बीच एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नीति आयोग का दफ्तर भी बंद करना पड़ गया। राजधानी दिल्ली में नीति आयोग, जहां सरकार की योजनाओं पर मंथन होता है, वहां कोरोना वायरस घुसपैठ कर गया है। आयोग के निदेशक स्तर के अधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद अगले 48 घंटे के लिए पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया है। संपर्क में आए तमाम लोगों की जांच की जा रही है। इस वक्त हम नीति आयोग पर मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर अफसर हैं उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं पूरे नीति आयोग को सील कर दिया गया है और यहाँ पर अब किसी की भी अंदर जाने की मनाही है। और जाहिर तौर पर जितना भी स्टाफ था उनको भी कहा गया है कि अभी जो है कुछ दिन अब काम नहीं हो पाएगा।
कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दिल्ली में दो और इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इसके साथ ही राजधानी में अब कुल 99 इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच आज दिल्ली में लोगों को छूट की किश्त दी गई है। दिल्ली सरकार ने जानवरों के अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, दवाइयों की सप्लाई और सेल को छूट दी है। चिकित्सा कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के शेल्टर होम भी खुलेंगे। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वाटर प्यूरिफायर की रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिकों को भी काम करने की छूट दी गई है। हालांकि कोरोना का बढ़ता ग्राफ इन छूट पर खतरे के बादल की तरह मंडरा रहा है। अब दिल्ली में 3000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 190 नए मरीजों की भी पहचान हुई है। लिहाजा भी सावधान रहकर पूरी जिम्मेदारी से पेश आने की जरूरत है। आशुतोष मिश्रा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली से अगर महाराष्ट्र चलें तो वहां पर अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,500 से ज्यादा हो गई है। उधर मुंबई पुलिस में भी संक्रमण बढ़ रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। वैसे तो वायरस से लोहा लेता हर शख्स बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कम संसाधनों के बीच पुलिसकर्मी जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाके में तैनात महाराष्ट्र पुलिस में संक्रमण तेजी से फैला। अब तक महाराष्ट्र में 112 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 20 अफसर और 92 पुलिस कांस्टेबल हैं। 3 पुलिस वालों की अब तक मौत भी हुई है। मुंबई के बीचों बीच एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में 300 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 14 की अब तक मौत की खबर है। सरकार ने इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया है। पुलिस के लिए यहां लॉकडाउन का पालन करना भारी चुनौती है। इस वक्त हम एशिया के एक सबसे बड़े स्लम और मुंबई शहर के एक कोविड रेड जोन में मौजूद है, धारावी। धारावी में इस वक्त 288 टोटल पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड-19 आ चुके हैं, जिसमें से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ऐसे समय पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस पर्सनल, इमरजेंसी वर्कर्स हैं, ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। इनका रिस्क ज्यादा है इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन से इस पैंडेमिक के खिलाफ ना सिर्फ लड़ रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट भी कम लोगों को महसूस हो, इसकी पूरी पुलिस घंटों काम करती है। कोरोना से बचने के लिए नाम मात्र के प्रोटेक्शन किट हैं। परिवार वाले डरे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके उत्साह में कोई कमी नहीं। हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखे काम कर रहे हैं। हमारे फैमिली को भी हमने किस तरह से खुद को मजबूत, स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रहे। हमारे बहुत से जो सीनियर ऑफिसर लोग हमको बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देके कैसे खुद को अच्छा रखना है वो बता रहे। हम फैमिली को भी इसी तरह से देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाके में तैनात मुंबई पुलिस ने अब अपने जवानों के लिए कुछ अहम और बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत 55 साल के ऊपर का कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं करेगा, उन्हें छुट्टी दी जाएगी। 12 घंटे लगातार काम करने के बाद पुलिस कांस्टेबलों को 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी। मुंबई के हर कोविड अस्पताल में पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बेड आरक्षित किए जाएंगे। हर पुलिसकर्मी को मास्क, सैनिटाइजर समेत सुरक्षा की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कोविड-19 के खिलाफ हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जंग में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका सबसे अहम है। ऐसे में उनकी सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। जल्द ही मुंबई में पुलिसकर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। तनुश्री पांडे और सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है महाराष्ट्र की ओर से। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे अपने राज्यों के छात्रों को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया है। नाराज छात्रों ने आज पटना और कोटा में लॉकडाउन तोड़कर प्रदर्शन किया। वो हवाला दे रहे हैं कि जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने छात्रों को वापस बुला लिया तो फिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों नहीं कर रहे।
लॉकडाउन की परवाह किए बगैर पटना में छात्रों का आक्रोश भड़का और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ सड़क पर आ धमके। पटना में जमकर नारेबाजी हुई, हो हल्ला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ऐसा ही प्रदर्शन कोटा में भी बिहार के छात्रों ने किया। आरोप ये कि कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस न लाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के असंवेदनशील होने का सबूत है। छात्र को मारा जा रहा है बाहर में, बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने अपने छात्रों को बस भेजकर बुला लिया, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने छात्रों की गुहार नहीं सुनी। उल्टे वो पाबंदी के बीच छात्रों को निकालने के कदम को लॉकडाउन के साथ अन्याय तक कह रहे हैं। पीएम के साथ बैठक में नीतीश ने मामला उठाया, सरकार से पूछा एक जैसी नीति क्यों नहीं अपनाई गई, दूसरे राज्यों को बच्चों को निकालने की इजाजत कैसे दी गई। अब नीतीश के इस फैसले पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कई राज्यों के मुखिया अपने माइग्रेंट वर्कफोर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ले आए, क्या मजदूर पैदल चल के बिहार नहीं पहुंचा? जिन जिन राज्यों ने अपने यहां के बच्चों को कोटा से निकाला है, उन सभी ने उनका बाकायदा टेस्ट कराया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही बच्चों को घर जाने की इजाजत दी गई। घर पर बच्चे खास एहतियात भी बरत रहे हैं। ऐसे में अगर कोटा में फंसे बिहार के छात्र अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं, तो कम से कम इस पर विचार तो संभव है ही। पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ संजय वर्मा, कोटा आज तक। बिहार के इन छात्रों की ओर से बार बार यही पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तरह सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं नीतीश कुमार। उधर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। इस बीच सूरत में मजदूरों ने घर वापस जाने की मांग को लेकर सिर्फ फिर से हंगामा कर दिया। मजदूरों का आरोप था कि उनसे लॉकडाउन के दौरान भी काम कराया गया है। सूरत के डिंडोली इलाके में हीरा कारोबार से जुड़े प्रवासी मजदूर भारी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। उनमें से कुछ ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। इससे पहले हीरा कारोबारियों के दफ्तरों पर पथराव किया गया। मजदूरों की शिकायत थी कि लॉकडाउन के दौरान उनसे काम करवाया गया है, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। उन्होंने घर भेजे जाने की मांग भी की है। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और अधिकारी ने उन्हें जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी। यार भारत देश के नागरिक हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? दूसरे देशों को देखो कितनी संख्या में मर रहे हैं लोग। सेफ हो, एकदम सेफ हो। लेकिन इन सबके बीच मजदूरों की इस भीड़ ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। वहीं सूरत में ही बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। बीजेपी सांसद सीआर पाटिल के घर के बाहर 3 किलोमीटर लाइन लग गई। ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए पास बनवाने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के बाद गुजरात कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 3548 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद में 2378 मरीज हैं, जबकि सूरत में 556 लोग बीमार हैं। केंद्रीय टीम ने अहमदाबाद और सूरत का दौरा कर कुछ अहम सुझाव दिए हैं। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। केंद्रीय टीम ने पाया कि गुजरात के शहरों में जहां तंग गलियां हैं, वहां लॉकडाउन के उल्लंघन से संक्रमण बढ़ रहा है। सूरत में संजय राठौड़ और अहमदाबाद में गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुश्किल में है तो रांची में लालू यादव की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल कोरोना का संकट उनके काफी करीब आ पहुंचा है। देखिए, रांची में लालू यादव पर कोरोना संकट है तो पटना में नीतीश कुमार से कोरोना वायरस महज 200 मीटर दूर मिला है। पहले लालू यादव की बात। रिम्स में लालू का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में एक मरीज पॉजिटिव मिला है, लेकिन रिम्स अधीक्षक कह रहे हैं चिंता की बात नहीं। डॉक्टर उमेश का लालू से केवल फोन से ही संपर्क होता है। अधिकतर बार जब से ऐसा कुछ भी हुआ है
तो वो फोन से बात करते रहते हैं, आवश्यकता होती है तभी वो जाते हैं। उधर पटना में मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से महज 200 मीटर की दूरी पर 28 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है। कोरोना का मरीज मुख्यमंत्री आवास से केवल 200 मीटर की दूरी पर पाया जाना, इसकी वजह से यह पूरा इलाका जो है अब रेड जोन में जो है वो आ चुका है, और इसीलिए इस इलाके में जो अब देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा है। पटना में कोरोना के मरीजों की तादाद 39 हो गई है। रांची में मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। उधर अलग अलग शहरों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमितों का इलाज जरूर हो रहा है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सचेत करते हुए ये कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को अभी आईसीएमआर ने अप्रूव नहीं किया है, इसे सिर्फ ट्रायल और रिसर्च के स्तर पर आजमाने के लिए कहा गया है। आईसीएमआर हैज ऑलरेडी स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट करंटली देयर आर नो अप्रूव्ड थेरेपीज फॉर कोविड-19 इंक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी। मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है, एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बींग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर सो फार देर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज अ ट्रीटमेंट। इन सब के बीच बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू करने को कहा है। वहीं उनसे कहा गया है कि वो सीबीएसई की टीम के लिए भी जरूरी इंतजाम करें। इस बीच सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि कॉपियों की जांच और रिजल्ट का काम 2 महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। कि जो पेंडिंग एग्जाम्स है उसमें हम लोगों ने 1 अप्रैल को अपनी एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें हमने बहुत क्लियर कहा है कि 10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। 12th सब्जेक्ट के एग्जाम्स क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे, एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा कर सकेंगे। एक दूसरी जरूरत आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इवेलुएशन प्रोसेस भी अभी शुरू नहीं हो पाई है, और इसमें लगभग हमें 1.5 महीने का 1.5 मंथ का समय लगेगा। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमें एडवाइजरी मिलती है, गवर्नमेंट से हम टच में है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमें एडवाइजरी मिलती है हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों की कॉपियां इवेलुएट करा सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जाहिर तौर पर छात्रों के भविष्य के मद्देनजर बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, और उसी की जानकारी इस वक्त दी जा रही थी। उधर दिल्ली और पंजाब में रह रहे मजदूरों को जब लॉकडाउन में वो बेहाल हुए तो आखिरकार उन्होंने साइकिल से ही बिहार तक जाने का निर्णय ले लिया। कई मजदूर साइकिल से दिल्ली से बिहार की ओर निकल पड़े थे। किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसको बताती है रिपोर्ट, देखिए। आंखों में घर पहुंचने का ख्वाब है, इसलिए मजदूरों का मन बेताब है। निकल पड़े हैं पंजाब और दिल्ली से बिहार, साइकिल के पैडल पर दम भर मारे पांव, ताकि जल्दी पहुंचे गांव। दिल्ली से लखनऊ मतलब 550 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 4 दिनों में तय करके ये मजदूर लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देख लिया कि अब उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैदल चलना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कुछ लोग अपनी अपनी साइकिलों से अपने गाँव के लिए निकले हैं। तो धूप कैसी है मजदूरों को ख्याल नहीं, कैसे पहुंचेंगे इस बात की चिंता नहीं, रास्ते में क्या होगा परवाह नहीं, क्योंकि लॉकडाउन ने रोजगार छीन लिया और सरकारी मदद मजदूरों को मिली नहीं। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक स्थल हुजूर साहिब से पंजाब के तरनतारण लौटे श्रद्धालुओं में से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी श्रद्धालुओं के टेस्ट की बात कही है, सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। और अब आपको लॉकडाउन के असर की एक तस्वीर दिखाते हैं। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए कि लॉकडाउन में कैसे शहरों में हवा साफ हो गई है। 25 मार्च 2019 से 25 अप्रैल 2019 के बीच की यह तस्वीर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता की यह तस्वीर। आपको बता दें लॉकडाउन के पहले स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद हवा कैसे स्वच्छ हो गई है, साफ हो गई है, कम से कम इस लिहाज से ये अच्छी खबर है।